वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज 22 जनवरी को हमारे श्री राम जी अपने घर अयोध्या पधारने वाले थे, जो कि अपने घर अयोध्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सो अभी हम सब तो उधर जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपने घर पे इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। और जैसे हम सभी दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें उसी तरह से इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये अवसर मिला है, हमें ये मौका मिला है भगवान जी के लिए कि हम उनके लिए हर एक चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, उस चीज़ की खुशी मना सके। सो अभी मैं और मम्मा गए थे बंतलाब, मतलब कि सामान वगैरह लाने, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें लाई हैं, और क्योंकि हमने उस चीज़ की खुशी मनानी है। तो जैसे हम दीपावली पे अपना घर सजाते हैं, तो वैसे अभी हम अपने घर को सजाएंगे और कुछ रंगोली बनाएंगे, दिए जलाएंगे, जैसा पूरा हम दीपावली में करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने ये चीज़ अभी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाया। मैं और मम्मा गए थे और मैं आपको भी बताती हूँ मैंने क्या क्या लाया। वेट, सो सबसे पहले हमने ये कलर्स के कुछ पैकेट्स लाए ये वाले, ताकि रंगोली बना सके, और ये धूप भगवान जी के लिए, और ये कुछ दिए लाए हैं हमने साथ में हर जगह लगाने के लिए, और ये इसी में रुई के थोड़े बनाए हुए हैं पहले के, साथ में ये वाला बड़ा दिया, और साथ में क्यूट क्यूट से ये भी लाए हमने दिए, कितने प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे वाले, और साथ में एक ये वाला भी। सो ये हम कुछ रंगोली में लगाएंगे और कुछ हर जगह लगाएंगे हम ये, और अभी चलते हैं हम साथ में रंगोली बनाते हैं, देखते हैं। अब मुझे उतनी अच्छी तो आती नहीं बनानी, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं। मतलब इतने दिन हो गए यार, ठंड इतनी ज़्यादा है, और मतलब धूप ही नहीं निकल रही है, और मैं सोच रही थी अभी धूप होगी, बट धूप नहीं है आज। सो अभी हम थोड़ी सफाई कर लेते हैं जहाँ पर हमने रंगोली बनानी है वहाँ पर, और उसके बाद रंगोली बनाएंगे। तब से लगी थी, अभी तक बना रही थी, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, बैटरी नहीं थी, तो इसलिए मैं बनाते हुए नहीं दिखा पाई। सो अभी मैंने कलर्स वगैरह पैक करके रख दिए, ये अभी बन गई है। अभी यहाँ पे सिर्फ दिए वगैरह रहते हैं जो जलाने को है, वो हम थोड़ी देर में जलाएंगे ये वाले, बट पहले हम अंदर की पूजा वगैरह करेंगे, जो अंदर मंदिर है सबसे पहले वहाँ जोत वगैरह लगेगी, एंड देन हम यहाँ पे भी दिए वगैरह लगाएंगे। तब तक के लिए बाय, और अब मिलते हैं जब मैं दिए लगाऊंगी, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ दिए लगाने हैं अभी। सो बाय। तो अभी हमने तेल डालना है, मेरी रंगोली बन गई है, लेकिन अभी दिए जलाने रह गए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। रंगोली में भी हम अभी दिए डालेंगे, लाइट चली गई है इसलिए मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगाई है ताकि दिखे। स्पीकर से कनेक्ट रखा है, उनको पता नहीं लग रहा ये बात कहाँ पे कर रहे हैं। इतना
इतना कुछ नहीं लिखाना मैंने, एक बड़ी दूध की पेटी थे, एक वो रस बारले का पूरा डब्बा। सो ये हो गया है, मुझे दूसरे दिए भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन पार्ले भैया पांच वाले नहीं पेटी, ये वाले है, ये वाले मुझे बहुत क्यूट लगे, ये वाले काफी ज्यादा प्यारे हैं, ये वाले हम यहाँ पे लगाएंगे रंगोली के ऊपर। देखो पीछे मेरी रंगोली कितने प्यारे हैं, सच्ची बहुत प्यारे हैं ये वाले। पहले मैंने ना ये वाले लिए थे, ये भी अच्छे हैं, बट जब मैंने ये वाले देखे ये ज्यादा अच्छे हैं। मम्मा रुई का पैकेट देना, रुई का, उसमें रुई नहीं है ना, इसमें हम अलग वाली डालें। ठीक है बस। अभी जो हमारे पास ये वाला पैकेट था इसमें बने हुए हैं सब कुछ, लेकिन ना किसमें? इस वाले में हम खुद बना के डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा उसमें डालें ना। आने मत देना बिल्लू को, मामा थोड़ा कैमरा दूर रखो, नहीं तो आप ना इतने मोटो मोटो से आओगे। उधर पे बैठ जाओ, इधर पे बैठ। ना मैं तो यहाँ से बैठी। आज सुबह से सब ने गाने लगाए हुए हैं, हर जगह भंडारे लगे हुए हैं, हर जगह मतलब लोग इतना पुण्य कर रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छा लगता है यार वो देख के। और है ना, ओ शिट, है ना शाली? हाँ जी मम्मा, है ना। आज हमने अपने बिल्लों को अंदर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो एक ही जंप मारेंगे और हमारी रंगोली सारी ख़राब कर देंगे, इसलिए हमने उन्हें अंदर बंद करके रखा है कि अंदर बैठो, घर के बाहर नहीं निकलना तुमने आज। मम्मा हो गया सारे? सब हो गया, नाक तेरी तो दियूं से ज़्यादा लाल हुई ठंड के साथ। हाँ नो डाउट, ठंड बहुत है, मेरे हाथ में लाल लाल हो गए। इधर डाल तेल। अच्छा हो गया हमारा, अब हम सिर्फ लास्ट के दो दियो में, एक दिया अंदर मंदिर में रखे रहे मिट्टी का दिया। क्यों या चल ठीक है, दरीर दिया आस पर रख दी तू दे। हो गया। और हम 11 बजे से लगे थे, 11 बजे बोला था ना, देख तू 11 बजे से 1 बजे तक बोला था कि वो तुम सारे मतलब जितने लोगों अपने घर पर बैठ के कीर्तन पूजा करो वगैरह, पूजा वगैरह करो। मामा थोड़ी सी दूर बहुत किया हूँ, कैमरा दूर केरी, बलगा बलगा हूँ कैमरा दूर के। ना बस ना तुस भी नहीं होता, तू कम कर तुस नहीं होता। सो अभी हम जलाएंगे दीपक जलाएंगे हम, और हम लगे थे 11 बजे से 1 बजे तक, वो बोले जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम। हमने 2 घंटे कंटिन्यू सब चीज़ बोली है, और मतलब मन को इतनी शांति मिल रही थी। और अब हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मम्मी तो लेट ही गए थे ना ऐसे करके भगवान की तरफ, कि यार सीरियसली खुशी बहुत होती है। कम डाला तेल, बहुत डाला ना, तभी बत्ती गिरी। प्यारे लग रहे है ना। सो अभी मेरे बूजी आए, मामू आया साथ में, ये दोनों बूजी है मेरे, और ये देवरानी जेठानी, ये जेठानी और ये देवरानी है ना, हाँ, और बहने भी हैं। तो अभी इनकी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे हम रंगोली के साथ। पहले बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम जय श्री राम, एक बार जोर से, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है।
चलो चलो एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। खुशी नहीं आपको? खुशी है ना? बहुत खुशी है। खुशी है ना? तो बस फिर चलो अभी मैं थोड़े फोटोज वगैरह क्लिक कर लेती हूँ इनके। जी हूँ ना बिदलाव लागे की जान लागे सुबह साथे बिशा तो श्री राम जी के नाव गिनना। जय श्री राम जय श्री राम। से बोलो जय श्री राम। ये मेरी दो ननाने बैठी हैं, ये मेरी ननान के हस्बैंड। जय श्री राम। चलो ये आज माइक में मोदी जी के हाथों हुआ है तो बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। हाँ, मोदी जी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। हमें कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं था कि राम कौन है, कौन सीता है, कौन लक्ष्मण है, वो दशरथ कौन है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो सब जानते हैं पूरे मतलब मन भाव से अपना ये राम जी के लिए पूरा जान रहे हैं कि कौन थे कहाँ थे पूरा। ये मोदी की वजह से हुआ, नहीं तो हम कहाँ तो वो कहाँ। सही बात है। हमारे मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। भगवान हमारी उम्र में उनको दे उनको दे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज इतनी ज्यादा खुशी है, तो हमने क्या किया, हम सारे मोहल्ले वाले मतलब मिलके खुशी बना रहे। तो ये मेरे मोहल्ले वाले हैं, मेरी दी, ये मेरे आंटी जी, सब मिलके हम खुशी बना रहे हैं। क्योंकि अकेले सेलिब्रेट करने में उतना मजा नहीं है, जब हम सब सेलिब्रेट करते हैं साथ में, मम्मा भी है साथ में इधर, तो तब ज्यादा मजा आता है। नाया भी है, तो
था, तभी मैंने आपको सबसे मिलवाया, सभी खुशी बना रहे इस चीज की, सब आए इधर पे फोटोज वगैरह ली, क्लिक करवाई और जय श्री राम का नारा बोला। तो दी आपको कैसा लगा, आप सच बताना? हम तो आज बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी जान।